हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 9, सब्जेक्ट SST। लास्ट वीडियो वी विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, क्लाइमेट। वी आर डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द क्लाइमेट, व्हाट इज द वेदर एंड द इफेक्टिंग कंडीशंस ऑफ द वेदर। टुडेज टॉपिक इज कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट। Climatic controls the climate of any place depend on the following factors. First, latitude. The amount of solar energy received varies according to latitude due to the convey to the earth. Its VR, air temperature, generally decrease for the इक्वेटर टूअर्ड टू द पोल्स, यानी कि जो लेटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांशीय विस्तार, इससे के आधार पर जो सोलर एनर्जी यानी कि जो हमें सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस पर हमारा टेम्परेचर निर्भर करता है। जिस जगह पर सूर्य का प्रकाश तेज गति से चमकता है वहाँ टेम्परेचर हाई होते हैं, और जहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश है वो बहुत कम होता है वहाँ पर टेम्परेचर लो होते हैं। ये जो टेम्परेचर है वो इक्वेटर से लेकर और जो पोल्स हैं उन तक जाता है। इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसलिए इक्वेटर के पास जितनी भी जगह स्थित होती है वहाँ पर तेज गर्मी पड़ती है, और जो पोल्स होते हैं वहाँ पर ये टेम्परेचर लो होता है, इसलिए पोल्स पर हमें ठंड दिखाई देती है। सेकेंड इज altitude. The atmosphere become less degrees of temperature decrease when we go to higher altitude of the earth surface. It is reach why hills are cold during summer. यानी कि हम जितनी ऊंचाई पर जाते हैं ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, यानी कि जो हमारा तापमान है वो कम होने लगता है। और हम ये देखते हैं कि जितनी ऊंचाई पर हम जाते हैं उतनी ऊंचाई पर जो तापमान कम होता है, इसलिए हमें पहाड़ों पर समर्स के समय भी यानी कि जो गर्मी के समय भी जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वो ठंडे होते हैं। एक सौ पैंसठ मीटर ऊपर जाने पर एक डिग्री टेम्परेचर में कमी आती है, यानी कि 165 मीटर अगर हम ऊपर जाते हैं तो एक डिग्री टेम्परेचर कम होता है। थर्ड इज प्रेशर एंड विंड सिस्टम। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लेटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। इट इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। यानी कि जो ये प्रेशर और विंड सिस्टम है ये भी हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। जहाँ पर हाई प्रेशर होता है वहाँ के टेम्परेचर भी हाई होते हैं, और जहाँ पर लो प्रेशर होता है वहाँ का टेम्परेचर भी लो होता है। और विंड सिस्टम, विंड का जो डायरेक्शन है वो हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर की ओर होता है। फोर्थ इज डिस्टेंस फॉर द सी। द सी एक्सचेंज ऑफ मॉडरिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लाइमेट। एज द डिस्टेंस ऑफ सी इंक्रीज इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीज एंड पीपल एक्सपीरियंस स्ट्रीम वेदर कंडीशंस। इट कंडीशंस इज नॉन इज कॉन्टिनेंटली, एग्जाम्पल वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। यानी समुद्र से जो दूरी है वो भी हमारे क्लाइमेट यानी जो हमारा जलवायु है उसे प्रभावित करती है। जितना हम समुद्र से दूर जाते हैं उस क्षेत्र में उतना ही जो जलवायु है उसमें परिवर्तन होता है। जैसे जो गर्मियों के समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ठंड के समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। जो कोस्टल एरियाज होते हैं जो बिल्कुल समुद्र के पास होते हैं वहाँ का तापमान बिल्कुल सेम होता है, इक्वल होता है,
समर और विंटर्स में भी वहाँ पर एक जैसा तापमान बना रहता है। फिफ्थ इज ओशनिक करंट। ओशनिक करंट अलोंग विद ऑनशोर विंड्स इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। जो कोस्टल एरिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करने के लिए ओशनिक करंट मेन एलिमेंट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल एनी कोस्टल एरिया विथ वार्म एंड कोल्ड करंट फ्लोइंग पास इट वी विल वार्म एंड कोल्ड एंड द विंड आर अनश्योर। यानी कि जो कोस्टल एरियाज हैं उनके पास में से अगर गर्म हवा और जो ठंडी हवाएं जो चलती हैं उसके द्वारा वहां का जो वेदर है, वहां का जो क्लाइमेट है वो वार्म एंड कोल्ड होता है। रिलीफ फीचर्स। रिलीफ प्लेस ए मेजर रोल ऑफ डिटरमाइंड ऑफ क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। हाई माउंटेन एक्ट ऑफ बैरियर्स ऑफ कोल्ड और हॉट विंड्स। यानी कि जो ऊंचे पर्वत होते हैं, ऊंचे जो पहाड़ होते हैं वो बैरियर यानी कि एक बाधा का काम करते हैं कोल्ड एंड हॉट विंड्स के लिए। दे मे आल्सो कॉज प्रिपरेशंस ऑफ द दे एरिया हाई इनफ एंड लाई इन द पथ ऑफ रेन ब्रिंग विंड्स। प्रिपरेशंस ऑफ एनी फ्रॉम द मॉइस्चर विच फॉल ऑफ द अर्थ इन इंक्लूड्स रेन शो हेयर एंड स्लिट। यानी कि जो पहाड़ होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं वो बारिश करने में भी बहुत सहायक होते हैं क्योंकि ये मानसूनी हवाओं को रोककर और उस क्षेत्र में बारिश कराते हैं। सो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लाइमेट कंट्रोल्स। फर्स्ट लैटिट्यूड, सेकंड एल्टीट्यूड, थर्ड प्रेशर एंड विंड सिस्टम, फोर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सी, फिफ्थ ओशनिक करंट एंड सिक्स रिलीफ फीचर्स। थैंक यू।